बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। इसके लिए हमने 3 अदद मैंगो लेके उनको काट लिया और ये 1.25 किलो दूध लेके उनको पका के हमने तकरीबन 1 कप रह गया है। ये देखिए, ये कंडेंस मिल्क बन गया है। इसमें हमने 4 टेबलस्पून चीनी के शामिल किए हैं। इसको हमने ठंडा कर लिया। 3 अदद आम लेके इसको हमने चॉप कर लिया। फिर इसको हमने इसकी प्यूरी रेडी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मोल्ड में ये सारा मिक्सर डाल दें। देखे, ये एक मोल्ड में हमने सारा मिक्सर डाल दिया। अब दूसरा मोल्ड रेडी करते हैं। मोल्ड को आप किसी स्टील के ग्लास में या शीशे के ग्लास में रख सकते हैं, उसकी वजह से ये सीधे रहते हैं। इस मैंगो कुल्फ़ी को रेडी करने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंगो, दूध और चीनी। ये बहुत थोड़े से अंदाज़ से आप घर में बहुत अच्छी और टेस्ट मैंगो कुल्फ़ी रेडी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ये फॉइल पेपर लगाएं। और छुरी के साथ इसके अंदर सुराख कर लें और ये स्टिक इसके अंदर डाल दें, आइसक्रीम स्टिक। अब इसको किसी स्टील के ग्लास में डाल के सारी रात के लिए फ्रीज़र में रख दें। तकरीबन 10 से 12 घंटे में इसको फ्रीज़र में रखें। मैंगो कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मैंगो कुल्फ़ी रेडी हो गई है। देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा है और खाने में भी ये बहुत मज़े की और टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह।